नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी बोकारो। भारतीय अटल सेना के प्रदेश अध्यक्ष शेखर चौबे के निर्देशानुसार बोकारो जिला अध्यक्ष रवि रंजन तिवारी के अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी सदस्य जयदेव पांडे के देखरेख में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में दीप जलाया गया तथा बच्चों व लोगों में मिठाइयां बांटकर खुशी मनाया गया। मौके पर मौजूद जिला उपाध्यक्ष मनीष जायसवाल, सचिव चाइना डे, महामंत्री गायत्री कुमारी, मंत्री टिंकू महतो, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उत्तम पांडे व राजेंद्र कुमार उपस्थित होकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर बच्चों ने भी कम उत्साह नहीं दिखाई दिया, बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखो भाई बे संध्या टीवी आ इसलिए तुम टीवी देख बे नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कहाँ पे पढ़ती हो आप? झारखंड विकास विद्यालय। तो अभी आपने दिया जलाया, वो किस चीज के लिए दिया जलाया? अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, इसलिए। आप राम जी को मानती हैं? हाँ। अच्छा, और किनको किनको मानती हैं? सबको। मतलब सब भगवान आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। मतलब खुशी है आज, आपको लग रहा है कि आज खुशी का दिन है? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं नगर निगम में मंत्री हूँ। और किस चीज में मंत्री हैं सर? नगर निगम। नगर निगम चास में ना। अभी किस चीज को लेकर के आप लोग दिया जला रहे हैं? अभी आज का दिन बहुत ही पवित्र है उन 135 करोड़ लोगों के लिए जो राम जन्मभूमि को देखते हुए, जो राम जन्मभूमि के निर्माण के साक्षी हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है और इसको हर घर में 5-5 दिए जलाकर मनाने चाहिए। ये अत्यंत ही खुशी और खुशी की बात है हमारे पूरे भारतवासियों के लिए। 500 वर्षों से लंबित आज मनोकामना पूर्ण हुई। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैं कुमारी चाइना डे, भारतीय सेना, मैं जिला सचिव हूँ। और आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है जो संपूर्ण भारत में तो इसको मनाया जा रहा है। इसकी जो खुशियां हैं, श्री रामचंद्र जी के, उनका पुनः एक मंदिर को स्थापित किया जा रहा है जो 500 सालों से, जिसके लिए हर भारतवासी के आँखों में एक सपना था कि उनका एक अलग मंदिर हो। जिस मंदिर का आज जो निर्माण किया जा रहा है हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा, जिन्होंने आज ये लड़ाई लड़कर हमें ये दिन को देखने का सौभाग्य दिया है, ये आज पूरे ऐतिहासिक रूप से आज हमारे सामने ये है। और हमारी पीढ़ियां भी इनको कई युगों तक उनके इस कार्य को मान्यित करेंगी और हमारे लिए भी काफ़ी सराहनीय है। आज हमारे बहुत सारे, मतलब जितने भी बोले कि फेस्टिवल से, उससे भी ज़्यादा आज हमारे लिए ये हर्षोल्लास का दिन है और इसे आज संपूर्ण भारतवासी एक त्यौहार के रूप में इसे मना रहे हैं। जो आज भूमि पूजन का, राम मंदिर के भूमि पूजन का आज का जो दिन है, आज इसको संपूर्ण भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस संपूर्ण में आज मैं सभी संपूर्ण देशवासियों को इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप सभी को भी बहुत बहुत इसकी बधाई। आप एक चीज़ बताइए मैडम, आप अपने जैसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जैसे आज के दिन में सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगी कि ये जो लड़ाई लड़ी गई है 500 सालों तक, फिर मैं ये चाहती हूँ कि फिर ऐसी कोई समस्या है वो इतने दीर्घकालीन तक ना जानी चाहिए। उसका एक अचूक
कोई ना कोई इस तरह का विरोध, इस तरह का दृढ़ विरोध होना चाहिए कि जिसका जल्द से जल्द उसका समाधान हो जा सके। ये 500 सालों तक हमें प्रतीक्षा ना करनी पड़े। इसके लिए ऐसा कोई जो जैसे हमारे सामने आज जो नेता हैं, इस तरह की नेता, इस तरह का शासन व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए जिसका पूर्ण हल उसका हो सके। आज बहुत दिनों का जो एक मन में भार लेके सब हिंदू हम भारतवासी चल रहे थे, आज मोदी जी ने वो साकार करके दिखाया है। अयोध्या में जो भूमि पूजन करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हिंदुत्व तो अभी भी जिंदा है और भारत हिंदुत्व तो का ही है। और ये जितने भी विरोधी हैं, जितने भी विरोध किए थे राम मंदिर का, आज वो सब एक एक करके परस्त हैं। कोई मौत के मुंह में समा गए हैं, तो कोई व्हीलचेयर में चले गए हैं, तो कोई मेडिकल गोली खा रहे हैं। और मोदी जी का जो सशक्त निर्णय था, मोदी जी का जो भारत निर्माण का जो एक सपना था, आज वो पूरा हो गया है। और जितने भी हम सब भारत के नौजवान हैं, अटल सेना के सिपाही लोग हैं, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, सब मिलकर ये संकल्प करेंगे कि आगे से हिंदुत्व के ऊपर कोई भी हम लोग उंगली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उंगली हमारे हिंदुत्व के ऊपर उठेगा, उस उंगली को तो हम तोड़ने का काम करेंगे, साथ साथ वो हाथ को भी तोड़ देंगे। और श्री राम की सौगंध है हमें, जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम विरोधियों का गर्दन काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम, जय भारत माता की, नरेंद्र मोदी की जय, अमित शाह की जय, हमारे उत्तर प्रदेश के वीर बलवान योगी जी की जय, जिनके मुख्यमंत्री काल में आज इतने बड़े काम को वो माने पारित कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें तहे दिल से बधाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रवि रंजन तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी, मैं झारखंड टीवी के माध्यम से आप सभी के समक्ष आज अध्यापक विजय के दिवस पर सुरक्षित पर कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से लगभग 500 वर्षों से जो लड़ाई यहाँ पूरे देशवासी लड़ते आ रहे हैं, ये एक समय था जब हमें ये आशा भी नहीं थी, ये उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा ये जो आज अयोध्या में जो भूमि निर्माण हो रहा है, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें ये मौका मिलेगा और पूरे देशवासियों को ये जश्न मनाने का मौका मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का जो क्रम है, ये लगभग 135 देशवासियों का लगभग 500 वर्षों से ये सपना रहा है जो आज जाकर पूरा हुआ है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा और यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी है, माननीय आदित्यनाथ जी है, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये शुभ कार्य हो पा रहा है और हम सभी देशवासी इसको पूरी उल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कम से कम 11 दीप जलाकर अपने देश को समर्पित करें, अपने अयोध्या को समर्पित करें, श्री राम जी को समर्पित करें कि हिंदुत्व में कितना ताकत है। अगर हिंदुत्व की ताकत देखनी है तो अयोध्या में देखें। आखिर 500 वर्षों की जो लड़ाई है आज वो पूरा हो गया और हिंदुत्व जीत गया। अगर हिंदू को जगाना है तो अयोध्या में श्री राम को बैठाना है। ये हमारा संकल्प लगभग 500 वर्षों से चलता आ रहा था जो आज पूरा हो गया, और मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को सहदिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।